दोस्तों, आज आपके लिए एक बड़ी प्यारी सी माता रानी की भेंट, माँ का भजन। और जैसा कि आपने देख लिया होगा, इसका नाम पढ़ लिया होगा आपने, हे नामरे, सुहाग फिल्म से ये भेंट है। और आज हम इसका लेसन करेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन से स्वर यूज़ हुए हैं, कंपोजिंग कैसी है, और नोटेशन के साथ म्यूज़िक के साथ इसका म्यूज़िक पार्ट का भी लेसन करेंगे, और जो लिरिक्स हैं उसका सब नोटेशन के साथ करेंगे। तो आइए, आपसे यही गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए। और कोशिश करेंगे इस लेसन को बिल्कुल ईजी तरीके से आपको समझाया जाए ताकि आप ईजीली इसको बजा पाएँ। और आइए शुरू करते हैं। स्केल देखिएगा, सबसे पहले सी शार्प हमने रखा है इसका स्केल, ठीक है। और स्वर देखिएगा इसमें कौन कौन से यूज़ होंगे, सा रे गा मा पा धा और नी सा। अब देखिएगा इसमें जो नी है वो अधिकतर कोमल नी यूज हुआ है, ये वाला, ठीक है। लेकिन जो इसका अंतरा है, अंतरे में शुद्ध नी का यूज हुआ है। अंतरे का जो शुरुआत है, अंतरा जहाँ से उठता है, वो शुरुआत ही शुद्ध नी से यूज हुई है, ठीक है। तो शुरुआत ही शुद्ध नी से है उसकी, अंतरे की, दोनों अंतरे दोनों की शुरुआत यहीं से है, ठीक है। तो आइएगा देखिएगा अब किस तरह से आपको क्या क्या यूज करना है स्वर, अब समझिएगा इसको। स्टार्टिंग जो होती है वो रुबाई से होती है उसकी, और रुबाई का अंदाज किस तरह का है, सबसे पहले काल के पंजे से माता बचाओ, जय माष्ट भवानी, ठीक है, पहले इतना देखिएगा। अब जो स्टार्टिंग में हे वो सा पर है, ऊपर का सा, तार सप्तक का सा, ठीक है, हे, ठीक है। अब बाद जब शुरू होता है काल के पंजे से माता बचाओ, अब ये शुद्ध नी यूज हो रहा है यहां पर, ठीक है। अब इसका नोटेशन देखिए, सा 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 नी सा सा नी सा सा नी सा सा, काल के पंजे से माता बचाओ, ठीक है। उसके बाद जय माष्ट भवानी, अब ये जो जय माष्ट भवानी, इसमें जब कोमल नी का यूज होगा, जब रे तक जाएंगे सा से, फिर उसके बाद कोमल नी से वापस आएंगे, काल के पंजे से माता बचाओ जय माष्ट भवानी, में रे से शुरू होगा, रे रे नी सा सा धा नी नी धा नी धा पा, ठीक है। जय माष्ट भवानी सा सा नी धा पा 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 मा, अब ये जो है मा धा नी सा, जय माष्ट भवानी सा सा नी धा पा 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 धा नी सा 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 नी धा पा पा पा, ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद फिर शुरू होता है हे नाम रे, हे नाम रे, अब ये हे नाम रे पा 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 धमा पा, पहले पा पर होल्ड करेंगे, पा
पा पा पा धा मा हे नाम रे, ठीक है, हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। अभी देखेगा, सबसे बड़ा तेरा नाम, इसका नोटेशन मापा पानी धा पापा मापा सबसे बड़ा तेरा नाम। ठीक है, सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरो वाली। अब ये ओ शेरो वाली सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरो वाली, ओ शेरो वाली मगरेगा मापा पा मगरेगा मापा ओ शेरो वाली ऊंचे डेरो वाली। ठीक है, मगरेगा मापा पा मगरेगा मापा। उसके बाद बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। अब ये देखेगा, बिगड़े बना दे रे गा रे पा मा गा गा, बिगड़े बना दे रे गा रे पा मा गा गा मेरे मेरे काम नाम रे। अब ये मेरे काम, मेरे रेसा मेरे काम नाम रे मेरे काम। अब काम से देखिए सा, और सा से सीधा कोमल नी पर जाना है, काम नाम रे। ठीक है, काम नाम रे सा सा नी नी दा पापा काम नाम रे। ठीक है, अब ये रिपीट हो जाएगा फिर, हे नाम रे ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आता है इसमें म्यूजिक पार्ट। अब म्यूजिक पार्ट देखिएगा, अभी देखिएगा पहली लाइन म्यूजिक पार्ट की, सा 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 रे गा मा पा स्टार्टिंग, सा तीन बार है, सा 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 रे गा मा पा पा नी धा नी पा मा पा गा, सा 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 रे गा मा पा पा नी धा नी पा मा पा गा। ठीक है, उसके बाद गापा गापा मापा गरे मगरे सा सा, अब इतना पूरा एक बार देख लीजिए, मैं बजा करके दिखा रहा हूँ। बाद फिर एक स्ट्रिंग का पार्ट आता है, और स्ट्रिंग का पार्ट क्या है, ये पार्ट है, अब ये ऊपर के रे से शुरू हो रहा है, रे 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 सा 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 नी 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 धा 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 पानी धा पा सा नी धा पा। ठीक है, उसके बाद फिर ये पार्ट स्ट्रिंग का पार्ट आने के बाद, उसके बाद फिर ये फिर यहां से अंतरा शुरू होगा शुद्धनी से। ठीक है, अब अंतरा देखिएगा, अंतरा क्या है, ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है कठिन पल, अब इसका नोटेशन दे गया, नी धा पा 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 गा
ऐसा कठिन पल नींदा पापा पगा ऐसी घड़ी है गगमा पाधा गगमा पाधा ऐसी घड़ी है ठीक है ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है नींदा पापा पगा गगमा पाधा ठीक है उसके बाद अभी फिर वो नोटिस आ जाएगी नी धा पा 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 गा 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 मा पा दा तू ही दिखा अब रास्ता ये दुनिया अब उसके बाद रास्ता रोके खड़ी है अभी रास्ता रोके खड़ी है इसका नोटिस सा नी धा पा 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 ठीक है ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है ये पार्ट है बीच का अब बहुत छोटा सा फिलर है पापा पादा पादा पापा पापा पादा पादा पा ये फिलर है उसके बाद फिर वापस वही आ जाता है तू ही दिखा रास्ता ये दुनिया इसके बाद फिर आता है मेरा जीवन बना एक संग्राम अभी देखेगा मेरा जीवन बना पापा गागा मा पादा मेरा जीवन बना पापा गागा मा पादा दादा दादा पामा मा पा मेरा जीवन बना मेरा जीवन बना एक संग्राम पगा गामा पगा गामा पधा धाधा पामा मा पा मेरा मेरा जीवन बना एक संग्राम उसके बाद वापस हुई ओ शेरो वाली ये नोटेशन में पहले आपको बता चुका हूँ ओ शेरो वाली ऊंचे डेरो वाली बिगड़े बना दे मेरे काम मेरे उसके बाद दूसरा अंतरा भी आप सेम उसी तरह से बजा सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा और अगर मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना प्यार इसी प्रकार हमारे चैनल को देते रहिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर हैप्पी लर्निंग